أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسول ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأسلم في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود والمولى يا مول الثقلين جد الحسن والحسين أبو القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه مبين وهو أصدق الصادقين في بيوتنا أذن الله أن ترفع ويذكر فاسمه يسبح له فيها بالغدو والإصال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما सबसे पहले तो उस परवरदिगारे आलम की हम्द व सना है कि जिसने कायनात आलम को पांच अनवार आलिया के नूर से खल्क फरमाया। उस खालिक की हम्द व सना है कि जिसने जन्नत को उन पांच अनवार आलिया के नूर से वजूद दिया। उस खालिक की हम्द व सना है कि जिसने हमारे रसूल मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शाफ़े महशर बना कर भेजा। उस परवरदिगार आलम की हम्द व सना है कि जिसने मौलाए कायनात अली इब्ने अबी तालिब को साकिये तस्नीम व कौसर बना कर भेजा। उस खालिक की हम्द व सना है कि जिसने हसनैन को अर्श का झूमर करार दिया। उस खालिक की हम्द व सना है कि जिसने हसन और हुसैन को शबाब अहले जन्ना करार दिया। उस खालिक की हम्द व सना है जिसने हमारी शहजादी फातिमा जहरा को खातून जन्नत और तमाम आलमीन की औरतों का सरदार मुकर्रर किया। सलावत पढ़ें महान आइए उसी शहजादी
जनाब फातिमा जहरा सलामुल्लाह अलैहा के सिलसिले में ये मजलिस आज़ा मुनक़िद हुई है और ये तारीख भी शहज़ादी फातिमा जहरा की शहादत की तारीख है। तो आइए क्यों ना शहज़ादी फातिमा जहरा की अजमतों का तस्करा करती चलूँ, इसलिए कि शहज़ादी कि हम चाहने वालों पर इनायत है कि आज उस शहज़ादी की इनायत उनके तौफीकात के नतीजे में आज फिर हम सब जमा हुए हैं और शहज़ादी फातिमा जहरा की बारगाह में सर ताज़ी में खम करने के लिए हाजिर हुए हैं। सलावत पढ़ दे और उसी शहजादी के घर का तस्करा करना है, इसलिए कि दुनिया की निगाह में बहुत मामूली सा घर है, लेकिन इस घर की हकीकत क्या है जमाने वालों अगर इसकी हकीकत को जानना है तो खुद परवरदिगार आलम से पूछो कि इस घर की हकीकत क्या है। फातिमा का घर मामूली घर ना था बल्कि कुदरत इलाही की तजल्ली गाह था। सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले। और उस घर में रहने वाला हर फर्द मजहर इलाही का मजहर था, कुदरत इलाही का मजहर था और उस घर में रहने वाले फर्द का ये आलम था कि जिसका नूर जमीन से लेकर आसमान तक, जमीन से लेकर आसमान तक और आलम मुल्क से लेकर के मलकूत आला तक रोशन था। और उस घर में रहने वाले फर्द ने ऐसी खिदमतों को अंजाम दिया दीन इस्लाम की हिफाजत के लिए, वो कुर्बानियां पेश की कि परवरदिगार आलम क्यों ना उन घरों पर दुरूद और सलाम भेजे कि जिस घर में ऐसे फर्द रहते हैं। सलावत पढ़ दे मोहम्मद। और उन घरों पर, उन घरों की मदा खुद खालिक कायनात कर रहा है कुरान मजीद में, फी बुयूति नाज़िन अल्लाह अंतुरफा वयुस्तरफा हस्मु युसब्बिहु लहू फिया बिलगुदूवि वलिसाल। यानी कुरान मजीद में परवरदिगार आलम खुद इर्शाद फरमा रहा है कि कुछ घर ऐसे हैं कि जिनके लिए वो इज्न दे रहा है, जिनके लिए वो इजाज़त दे रहा है कि बुलंद किए जाएं, बुलंद किए जाएं और उन घरों में जिक्र खुदा किया जाए, उन घर में हर फर्द सुबह शाम तस्बीह परवरदिगार करता है। इनके जिक्र खुदा करने से ना तो तजारत मायने होती है ना ही खरीद और फरोख, बल्कि इन्हें नमाज अदा करने से, ज़कात देने से कोई चीज़ रोकती नहीं, कोई चीज़ टोकती नहीं। क्यों? इसलिए कि वो जानते हैं कि जिस दिन दिल और आंखें पलट जाएंगी। सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले। ये आयत मुबारक 18वें पारे सूरह नूर की आयत है और इस आयत में असल तिम्मा है नूर का कि परवरदिगार आलम कह रहा है कि कुछ घर ऐसे हैं जिन्हें बुलंद किया जाए। मैं कहूँगी पालने वाले, जब एक आम इंसान अपना घर तामीर कराता है, उसकी दीवारों को बुलंद करता है, मकान तामीर कराता है, उसकी बुलंदी को देख करके अहदीस में मिलता है कि फरिश्ते आवाज़ देते हैं कि ऐ फासिक इंसान,
अपने घर की दीवार को कहाँ तक बुलंद किया जाए करेगा, क्या आसमान तक ले जाने का इरादा रखता है, जो तेरे इख्तियार में नहीं है। मैं कहूँगी पालने वाले, अगर एक इंसान अपना घर बनाता है, तामीर करता है, उसके लिए इजाज़त नहीं कि वो बुलंद करे। लेकिन आइए आपके सामने अपनी ज्यादती बातों को पेश कर दूं कि जब कोई इंसान अपना एक पुराना मकान तुड़वा करके नया मकान तामीर कराता है, और कराने के बाद जब कोई उस मकान को देखने के लिए आता है तो मकान का मालिक इस तरह से मकान की तारीफ करता है, ना पूछिए उसकी इस्तराहट का आलम, ना पूछिए उसके गुरूर का आलम कि देखिए मैंने कितना कीमती झूमर बाहर से मंगाया, लाखों का ये झूमर है, लाखों का ये सोफा है, इस मकान को तामीर कराने के लिए बाहर से मीमार बुलाया, इतनी मजदूरी दी, इतने कीमती दरवाजे लगाए, यानी क्या क्या बातें बयान करूं। इंसान कहां कहां तक की बातें बयान कर देता है, किस लिए कि इस मकान को तामीर कराया तो अपने मकान की तारीफ को बयान कर रहा है, जिसके लिए परवरदिगार आलम पसंद नहीं करता कि इंसान अगर मकान तामीर करे, बुलंद करे, तो वो गुरूर अगर करता है, अल्लाह को वो गुरूर पसंद नहीं आता, वो तकब्बुर पसंद नहीं आता। लेकिन खुद परवरदिगार आलम इज्न दे रहा है कि वो युती नाज़न अल्लाह अंतुरफा, कि कुछ घर ऐसे हैं जिन्हें बुलंद किया जाए। सलवात पढ़ महा मैं कहूंगी पालने वाले, अगर इंसान मकान तामीर करता है, तारीफ करता है तो तुझे पसंद नहीं। मालूम यह हुआ है कि इंसान का काम है कि अगर उसने मकान तामीर किया है तो फख्र करना उसके अख्तियार में नहीं है, बल्कि उसके अख्तियार में कि वो सजदे शुक्र बजा लाए। पालने वाला तेरा लाख लाख शुक्र कि तूने मुझे इन नेमतों से नवाजा, उसका शुक्रिया अदा किया जाए। लेकिन यहाँ पर कुछ घर ऐसे हैं जिसके लिए खुद परवरदिगार आलम मदहा कर रहा है। क्यों? इसलिए कि उस घर में एक ऐसा चिराग है कि जिसकी मिसाल परवरदिगार आलम अपने नूर से दे रहा है कि मानो एक मेहराब हो, और मेहराब में एक चिराग हो, और चिराग फानूस में हो, फानूस शीशे का हो, इतना चमकदार, इतना शफाफ कि जैसे सुबह का सितारा चमके, सूरे नूर की आयत से पढ़ रही हूँ, जैसे सुबह का सितारा चमके, और उस चिराग के तेल की कैफियत ये है कि जैतून के मुबारक दरख्त तेल से, जैतून के दरख्त से वो तेल निकाला गया, और वो तेल इतना शफाफ, इतना पाक व पाकीज़ा कि जिससे वो चिराग रोशन है। लेकिन कैफियत ये है कि आग उस चिराग के करीब न पहुंची और वो खुद ब खुद रोशन हो गया, ऐसे जैसे नूर नला नूर। सलवात पढ़ इमाम बदवा और इन बातों को बयान करने के बाद परवरदिगार आलम मिसाल दे रहा है कि वो चिराग उन घरों में रोशन है कि जिनमें सुबह शाम मर्द तस्बीह करते हैं, जिक्र खुदा होता है। तो आइए उसी घर का तस्करा करना है कि उस घर में रहने वाले कम से कम चार या पांच फर्द, लेकिन हर फर्द का आलम यह है कि हर फर्द तमाम कमालात का हामिल है, और उस घर की कैफियत यह है कि इंसान तो इंसान क्या, अगर फरिश्ते भी आते हैं तो सायल बनकर आते हैं। इसीलिए अल्लाह कह रहा है फी बुयूति नाज़न अल्लाह, कि वो घर बुलंद किए जाए,
अब यहाँ पर बुलंदी से मुराद ऊंचाई के नहीं, यहाँ पर बुलंदी से मुराद ये है कि अगर उन घरों के सामने से तुम्हारा गुजर हो जाए तो सरों को झुकाते हुए गुजरना, ताजीम करते हुए गुजरना। सलवात पढ़े मोहम्मद। ताजीम करते हुए गुजरना क्यों? इसलिए कि सुबह शाम फरिश्तों का नुज़ूल होता है। तो अब ज़रा अंदाज़ा लगाइए कि जिस घर में ऐसे अफराद रहते हों कि जहाँ पर सुबह शाम फरिश्ते नाजिल होते हों, सिर्फ इतना ही नहीं कि जिस घर में ये रहते हैं उन घरों में फरिश्ते नाजिल होते हैं, लेकिन जहाँ जहाँ ये चले जाते हैं, इनके कदम पड़ जाते हैं, वहाँ की ज़मीन को अल्लाह पाक पाकीज़ा करार देता है। आइए कुरान मजीद के हवाले से बताती चलूं कि जनाब यूसुफ को जब मिस्र के बादशाह ने हुक्म दिया, हाकिम वक्त ने हुक्म दिया कि जनाब यूसुफ को ले जा करके कैद खाने में डाल दिया जाए, जो अल्लाह का मुती है, अल्लाह का फरमा बरदार है, जिसे अल्लाह मुंतखब करता है, देखिए उसके लिए कुदरत क्या इंतज़ाम करती है। दुनिया की निगाह में कुरान में यह वाक़या महफूज हो गया कि मिस्र के कैद खाने में जनाब यूसुफ को डाला गया है। आप जानती हैं कि कैद खाने का आलम क्या होता है? बहुत ही तंग और तारीकी होता है, अंधेरा होता है, बड़ी परेशानियां होती हैं। लेकिन जनाब यूसुफ जैसे ही मिस्र के कैद खाने की तरफ चले, अभी कदम रखना चाहते थे कि जिब्रील अमीन नाजिल हुए, कहा कि ऐ जनाब यूसुफ अल्लाह का हुक्म है, घबराना नहीं, तुम कैद खाने में तो जा रहे हो लेकिन इधर तुम्हारा कदम पड़ेगा, ये कैद खाना पाक और पाकीज़ा हो जाएगा। सलवात पढ़े मोहम्मद। कैद खाना पाक और पाकीज़ा हो जाएगा। मालूम हुआ जहां जहां इनके कदम बढ़ जाते हैं वहां की जगह पाक और पाकीज़ा हो जाती है। इसी तरह से आइए एक बाबा से बुलंद आ रहा है सलवार पदम का। अब आइए सातवें इमाम, इमाम मूसे काज़िम अलैहिस्सलाम। हारून रशीद के कैद खाने में हैं। जमाने वालों की निगाहों में मेरा सातवां इमाम कैद खाने में है, लेकिन अल्लाह कह रहा है कि जिसे मैं मुंतखब करता हूँ अगर वो कैद खाने में भी कदम रख देते हैं, ज़मीन पाक व पाकीज़ा हो जाती है। लेकिन हारून बड़ा परेशान, कैद खाने में कैद करने के बाद भी परेशान, मुतमईन नहीं, चाहता ये है कि इमाम पर कोई इल्ज़ाम लगा दें और किसी भी तरह से इमाम को कत्ल करवा दें। सबसे अच्छा मंसूबा कि बहुत ही हसीन, बहुत ही खूबसूरत औरत को तैयार किया, कहा जितना इनाम मांगेगी मांगी दौलत मिलेगी, दरहम और दीनार हीरे व जवाहरात मिलेंगे, तेरी झोली भर दी जाएगी। काम क्या है? काम बहुत छोटा सा, काम बहुत छोटा सा है, तेरे लिए मुश्किल नहीं है, बहुत खूबसूरत है। कहा बताओ काम क्या है? कहा बस इतना करना है कि तुझे कैद खाने में जाना है और किसी भी तरह से इमाम पर इल्ज़ाम लगा देना है, बस तू शोर मचाएगी, हम बाहर खड़े रहेंगे, हमारे सिपाही आएंगे, इमाम पर किसी भी तरह से तोहमत लग जाएगी और कत्ल करवा देंगे। तैयार हो गई, क्योंकि दौलत ऐसी शय का नाम है कि अच्छों का ईमान बिक जाता है, अच्छों का ईमान बिक जाता है, जो ईमान का दर्स देते हैं वही अपना ईमान बेच देते हैं। लिहाजा
इसने तो अभी मार्फत इमाम हासिल नहीं की थी, तैयार हो गई, कोई मुश्किल काम नहीं, सिर्फ तोहमत लगाना है। अब कैद खाने में दाखिल हुई, इमाम को खबर हुई कि हारून एक कनीज को भेजने वाला है मेरी खिदमत के लिए। इमाम ने कहलवा दिया मुझे इसकी ज़रूरत नहीं। लेकिन वो जब दाखिल हुई तो उसने एक अजीब आलम देखा, कैद खाने में आई थी मगर एक अजीब आलम देखा। क्या आलम देखा? कि मेरा सातवां इमाम सजदे में है और अल्लाह की हम्द सना कर रहा है। बैठ गई, इंतज़ार करती रही कब इमाम सजदे से सर उठाए और कब मैं इमाम पर तोहमत लगा दूँ। इरादा गलत करके आई थी। देखिए, सोबत का भी असर होता है। जिनकी सोबत में रहती थी, रहा करती थी, उसके असरात गलत थे। इरादा करके आई, जब इमाम के सामने आई, इबादत करते हुए देखा, कल तक सोबत अलग थी लेकिन इमाम की इबादत को देखा, ऐसी मार्फत हासिल हुई, ऐसा खो गई कि वो अपने काम को भूल बैठी। जैसे ही इमाम ने सजदे से सर उठाया, उठाने के बाद इमाम की नमाज खत्म हुई, करीब आई, कहती या इमाम, हमको हाकिम ने भेजा आपकी खिदमत के लिए। जैसे ही ये जुमला कहा, जैसे ही ये जुमला कहा, बस तवज्जो रखिएगा, अल्लाह कह रहा है कि जिन घरों में रहते हैं ये रहते हैं, वहाँ पर फरिश्तों का नुजूल होता है, जहाँ जहाँ कदम इनके चले जाते हैं, चाहे वो कैद खाना ही क्यों ना हो, वहाँ की जगह पाक पाकीज़ा हो जाती है। अल्लाह ने यूसुफ के लिए कैद खाने की जगह को पाक पाकीज़ा करार दिया, लेकिन सातवां इमाम कैद खाने में है, हारून के कैद खाने में है, इधर सजदे से सर उठाया, कहती इमाम आपकी खिदमत के लिए आई हूँ, बस एक मर्तबा मेरा इमाम मुस्कुराया, बस एक मर्तबा आपने अपने हाथ से इशारा किया, अब जो इशारा करना था। अब उस औरत ने क्या देखा कि कैद खाना नहीं बल्कि जन्नत का मंजर नजर आया। तलवार पर हसीन और खूबसूरत बागात देख रही है, कैद खाना नहीं अब है, अब बाग देख रही है, हूर और मलक टहल रहे हैं। एक हूर आगे बढ़ी, का औरत कहे के लिए आई, कहे के लिए आई, का इमाम की खिदमत के लिए, का तू और इमाम की खिदमत करेगी, हमको अल्लाह ने इनके लिए भेजा है और हम मुद्दतों से इंतज़ार कर रहे हैं, हम मुंतज़िर हैं कब ये अब्दे साले हमें हुक्म दे और हम खिदमतों को अंजाम दे। बस ये सुनना था, फौरन वही औरत सजदे माबूद में गिर पड़ी। इधर इमाम सजदे में है, इधर ये औरत है, एक तरफ इमाम और कह रहा है शुक्रन शुक्रन हमदन हमदन, उधर ये औरत कह रही है शुक्रन शुक्रन हमदन हमदन सलवात पर महम्मद। और जैसे ही सजदे में गई और शुक्रन शुक्रन कहती रही, बड़ी देर गुजर गई, बाहर सिपाही खड़े हैं, क्या वजह है कि इस औरत ने अब तक आवाज़ क्यों नहीं दी, शोर क्यों नहीं मचाया। देखिए, आई थी इरादा करके इमाम पर इल्ज़ाम लगाने, बहुत दौलत मिलेगी, लेकिन जब इमाम की सोबत में चंद लम्हों के लिए आ गई तो ऐसी मार्फत हासिल कर ली कि खुद भी सजदे माबूद में गिर पड़ी। ऐसा ईमान ले आई
जब चोर नहीं मचाया, कुछ सिपाही दाखिल हुए, देखा सजदे में पड़ी हुई है, बाजू को पकड़ा, खींचते हुए बाहर लाए, कहा तुझे क्या हो गया है, तुझे क्या हो गया है, तुझे किस काम से भेजा था और तू वहाँ क्या करने लगी, क्या तुझे दौलत और धर्म दीनार नहीं चाहिए। कहती है मुझे कुछ नहीं चाहिए, हाकिम के पास ले चलो। हारून के पास आई, हारून ने कहा किस लिए भेजा था, कहा भेजा इसलिए था इमाम पर इल्ज़ाम लगा दूं ताकि मुझे दरहम और दीनार मिल जाए, लेकिन तुझे क्या मालूम, तेरी निगाह में वो कैद खाना है, तंग और तारी है। लेकिन जब मैंने देखा, वो मंजर देखा कि कैद खाना कैद खाना ना रहा, बल्कि वो कैद खाना एक जन्नत के बागात नजर आ रहे हैं, वो मंजर देख के आई हूँ, ऐसा ईमान लाई हूँ। अब चाहे मुझे दौलत की दे या ना दे, मुझे इसकी परवाह नहीं, लेकिन वो ऐसा मंजर देख कर आई हूँ कि अब अपने ईमान से न पलटूंगी। सलवात पढ़ मुहम्मद वाले। अब जरा अंदाजा लगाइए कि कैद खाने में चले जाते हैं तो देखने वालों को जन्नत का मंजर नजर आता है और लोग सजदे में गिर जाते हैं। तो उन घरों के अंदर रहने वाले लोगों की अजमतों का आलम क्या होगा, आलम क्या होगा। और फातिमा जहरा का घर और उस घर के अंदर कम से कम 4 या 5 अफराद रहते थे और उस घर के अंदर का हर फर्द ऐसा था के कमालात इलाही और मोजज़ात उसके अंदर मौजूद थे। लेकिन आइए ऐसा घर फातिमा जहरा का कि चश्मे फलक पर भी किसी ने ऐसा घर नहीं देखा, ऐसा घर नहीं देखा। क्यों? इसलिए कि उस घर के अंदर रहने वाले हर फर्द सरदार थे। और एक बार ऐसा भी मंजर नजर आया कि जब ये पांचों फर्द एक चादर के नीचे जमा हो गए और पांचों के पांचों फर्द सरदार थे अपनी अपनी हैसियत के हिसाब से, जब ये पांचों फर्द चादर के नीचे जमा हुए, इनका नूर यकजा हुआ, जब नूर यकजा हुआ, जमीन से छनता हुआ, चादर से छनता हुआ आसमान पर पहुंचा, जब आसमान पर पहुंचा, फरिश्तों की बज्म में पहुंचा, तो क्या मंजर फरिश्तों ने देखा कि ये नूर कैसा है कि जिसने जमीन को रोशन किया, जिसने आसमान को रोशन किया, ये नूर किसका है। सवाल करने वाला कोई और नहीं था। अगर कोई और सवाल करता, बात कुछ और होती। अगर आम इंसान सवाल करता पालने वाले ये नूर किसका है, बात कुछ और होती। इसलिए कि इंसान की खिलकत खाक से हुई है, इंसान की खिलकत मिट्टी से हुई है, मिट्टी क्या जाने नूर की अजमत। लेकिन जिसकी खिलकत नूर से हुई है, वो खुद नूर के बारे में सवाल करे या रब्बे वमन तहतो हाजल के साथ, पालने वाले बता कि इस चादर के नीचे कौन है। सवाल करने वाला कोई और फरिश्ता नहीं था, बल्कि जिब्रील अमीन था। सवाल जिब्रील अमीन ने किया, पालने वाले बता इस चादर के नीचे कौन है। अब यहाँ पर मैं सवाल करूँगी, ऐ जिब्रील अमीन, तू अल्लाह से सवाल कर रहा है कि चादर के नीचे कौन है, क्या जानता नहीं कि इस चादर के नीचे रसूल खुदा हैं, अली हैं, फातिमा हैं, हसन और हुसैन हैं। अगर जानता है तो तूने सवाल किया क्यों किया, अगर नहीं जानता है तो सवाल क्यों किया, और अगर जान रहा है फिर जानकर अनजान क्यों बन रहा है। तो अब आइए बता दूँ, अगर ये कह दिया जाए कि जिब्रील नहीं पहचान रहे थे तो सवाल किया, तो ये भी कह देना गलत।
अगर ये कह दिया जाए जिब्रील पहचान रहे थे तो क्यों सवाल किया, ये भी गलत। असल में बात यह है कि अब तक जिब्रील अमीन ने मोहम्मद को देखा, बशरी एतबार से देखा। अब तक जिब्रील ने अली को देखा, बशरी एतबार से देखा। अब तक जिब्रील ने फातिमा को देखा, बशरी एतबार से देखा। अब तक जिब्रील ने अली को देखा, बशरी एतबार से देखा। हसन को देखा, बशरी एतबार से देखा। हुसैन को देखा, बशरी एतबार से देखा। अब तक जिब्रील ने मोहम्मद का नूर अलग देखा, अली का नूर अलग देखा, फातिमा का नूर अलग देखा, हसन का नूर अलग देखा, हुसैन का नूर अलग देखा। लेकिन जब ये शबाशों नूर चादर के नीचे यकजा हुए, जब ये नूर जमा हुआ, चादर से छंटा हुआ, अर्श पर पहुंचा, जिब्रील ने चाहा कि उनकी निगाहें उस नूर पर ठहर जाए और पहचाने कि कौन कौन मौजूद है। लेकिन जिब्रील की निगाहों में इतनी जलालत ना थी कि उस नूर की जलालत को बर्दाश्त कर सकते, लिहाजा जिब्रील की निगाहें उस नूर पर ना ठहर सकी। जब नहीं ठहरी, सवाल किया, या रब्बे वमन तहतो हाजल के सा, पालने वाले बता कि कौन है चादर के नीचे। सलवात फातिमा। पालने वाले बता, इस चादर के नीचे कौन है? अब परवरदिगार आलम तारुफ करा रहा है, हुम फातिमतो व अबुआहा व बालोहा व बनूहा। इस चादर के नीचे मेरी खास कनीज फातिमा जहरा है, इस चादर के नीचे मेरी खास कनीज फातिमा जहरा है। उनके पदर बुजुर्गवार हैं, उनके शौहर अली मुर्तजा हैं, उनके दोनों फर्जंद हसन और हुसैन हैं। मैं कहूँगी पालने वाले, तूने फातिमा के जरिए से क्यों तारुफ कराया, जबकि नबी भी मौजूद है और इमाम भी मौजूद है। तू चाहता तो तारुफ नबूवत के जरिए भी करा सकता था। इस चादर के नीचे तमाम अंबिया के सरदार रसूल खुदा की बेटी फातिमा जहरा है, या चाहता तो इमामत के जरिए से तारुफ करा सकता था कि अली की जौजा हसनैन की मादरे गिरामी फातिमा जहरा है। लेकिन ए मेरे माबूद, तूने फातिमा जहरा के जरिए से तारुफ क्यों कराया? शायद मशीहत इलाही से जवाब मिलेगा, मेरे नादान बंदो तुम्हें क्या मालूम कि फातिमा क्या है? तुम्हें क्या मालूम फातिमा क्या है? अर्श पर रहने वाले फरिश्ते जानते हैं इसकी अजमत को, मगर इसलिए जेरे के साथ तारुफ करा रहा हूं कि जमीन वाले भी पहचान ले कि फातिमा आम खातून नहीं है, फातिमा आम खातून नहीं है, बल्कि फातिमा जहरा खातून जन्नत है, तमाम आलमीन की औरतों की सरदार हैं। फातिमा जहरा एक नबी की बेटी है, 11 इमामों की माँ है। सबसे बड़ी फजीलत तो ये है कि फातिमा जहरा ने सिलसिले नबूवत को सिलसिले इमामत से मिला दिया है। सलवात पढ़ मोहम्मद। मेरी दसवस्ता गुजारिश है कि मुसलसल लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं, जो आगे लोग बैठे हुए हैं, ये जाने आने का सिलसिला बंद करें। जो बाहर से लोग आ रहे हैं, जो जिसे जहाँ जगह मिलती है वो वहाँ बैठ जाएं। अगर किसी को ताबूत पर नज़र कराना है, चादर चढ़ाना है, वो मजलिस के बाद आराम से चढ़ा सकता है। एक बावाज़े बुलंद नारा है, सलवात पढ़ दे महामद। एक और बावाज़े बुलंद नारा है, सलवात पढ़ दे महामद। पानी की मम्मी,
और उस चादर के नीचे पांच फर्द मौजूद और पांचों के पांचों सरदार, पांचों के पांचों सरदार पैगंबर इस्लाम, अंबिया और मुरसलीन के सरदार अली मुर्तजा, सैयदुल औलिया के सरदार फातिमा जहरा, खातून जन्नत आलमीन की औरतों की सरदार हसनैन, जवानान जन्नत के सरदार। ऐसा घर, ऐसा घराना कहीं आपने देखा होगा। अगर आपके घर में कोई फर्द किसी बुलंद दर्जे पर फायल हो जाता है, कोई बड़ा ओहदा मिल जाता है, तो घर का हर फर्द इतराता व नजर आता, मेरा बेटा ऑफिसर, मेरा बेटा कमिश्नर। अब जरा अंदाजा लगाइए, ये छोटे छोटे ओहदे हैं जिस पर इंसान फख्र करता है कि घर का एक फर्द निकल गया तो पूरे खानदान वाले नाज करते हैं, पड़ोसी नाज करते हैं, भाई हमारे महल्ले में फला का बेटा जज है, ऑफिसर है। अब जरा अंदाजा लगाइए जिस घर में पांच फर्द मौजूद और पांचों के पांचों सरदार हों, तो जरा अंदाजा लगाइए कि उस घर की अजमत का आलम क्या होगा। और यही वजह है कि परवरदिगार आलम उस घर के लिए इज्न दे रहा है कि अगर उस घर के सामने से गुजरो तो ताजीम करते हुए गुजरो, सरों को झुका करके गुजरो, इसलिए कि मकान की इज्जत बुलंद होती है मकीन की वजह से। यानी रहने वाला मकीन मुती परवरदिगार फरमा बरदार, तो जब मुती परवरदिगार मकीन है तो अल्लाह ने उस मकान में रहने वाले की भी इज्जत को बुलंद किया और उस मकान की भी इज्जत को बुलंद कर दिया। सलवात पढ़ महामद। मगर ये तो अपनी निगाहों का, अपनी अपनी निगाहों का असर है। किसी को खाना है सैयदा बोसीदा नजर आया, कच्ची दीवार नजर आया, किसी को खाना है सैयदा वो दर नजर आया कि जहां पर से कोई सायल खाली हाथ ना गुजरा हो। यहां तक के इंसान तो इंसान फरिश्ते भी रोटियां मांगने आ गए, और तो और जाने दीजिए किसी ने मामूली सा समझा और किसी ने उस दर को जन्नत समझा, किसी ने उस दर को जन्नत समझा। अब आइए उस घर में रहने वाली कनीज फिज़ा, वो फिज़ा कि जिनका जिक्र तारीख में मिलता है कि जो मुल्क हबश की शहजादी थी लेकिन तख्त ताज को ठोकर मारा और शहजादी फातिमा जहरा की कनीजी में आ गई। अब वो कनीजी कर रही है, ऐसी नौकरी मिली कि उस पर उसे बहुत नाज, बड़ा फख्र। ताना देने वालों ने ताना दिया, ऐ फिज़ा किसके घर में आई हो जहां फाके होते हैं। फिज़ा को जलाल है शमून क्या कहता है, कहा ठीक कहता हूं, मेरे घर आ जा, ऐशो आराम में रहेगी। लेकिन फिज़ा ने एक मर्तबा से शमून ऐसा ना कहना, मेरी शहजादी को कह रहा है कि जिसके घर में फाके होते तुझे मालूम नहीं उसकी अजमतों का आलम। अगर वो इशारा कर दे तो रिजवान जन्नत खयात बनकर आ जाए। वो दरे सैयदा है कि जहां पर सितारे जोहरा सजदा करने के लिए आया, और तू मेरी शहजादी को इस तरह से कह रहा है, उस घर के बारे में ताना दे रहा है कि वहां फाके होते हैं। शहजादी की बात को जाने दे, जरा पहले कनीज की अजमत को पहचान ले। तू कनीज को ताना दे रहा है, मैं रिदाए फातिमा जहरा गिरवी रखने आई हूँ, ताना दे रहा मेरे यहाँ जा, ऐशो आराम से रखूंगा। अगर मेरी शहजादी की अजमत को जाने दे, पहले फिज़ा की अजमत को देख ले। ये जो तेरी मिट्टी की दीवार है, फातिमा की कनीज अगर इशारा कर दे तो ये मिट्टी की दीवार सोने में तब्दील हो जाएगी। अभी फिज़ा ने सिर्फ ये जुमला कहा था,
तारीख में मिलता है कि मिट्टी की दीवार सोने में तब्दील हो गई। शमूल देख, जिस कनीज के पास ये इख्तियार है तो उसकी शहजादी के हाथों में कितना इख्तियार होगा। सलवात पर मोहम्मद। फातिमा जहरा की कनीजी में आ गई, जमाने वाले समझ रहे हैं कैसी दीवानी, तख्त ताज छोड़कर आ गई। लेकिन तुम्हारे निगाहों में ये दीवानी नजर आ रही है, लेकिन वो फिजा कितने फायदे में है कि 40 बरस तक जनाबे फिजा जनाबे फातिमा जहरा के घर में आई और ऐसी तालीम पाई जनाबे फिजा ने कि 40 बरस तक जब भी जनाबे फिजा ने गुफ्तगू की तो कुरान की आयत के जरिए से की। रवायतों में मिलता है वो फिजा। अब यही फिजा किसी काम से घर से बाहर निकली और मुलाकात हो गई किससे, सहाबी रसूल इब्ने मसूद से। और ऐसे सहाबी रसूल, रसूल के सहाबियों का दर्जा बुलंद। लेकिन मुलाकात हुई बस एक मर्तबा, इब्ने मसूद ने जनाब फिजा को सलाम किया, जनाब फिजा ने सलाम का जवाब दिया और जवाब के बाद एक मर्तबा मसूद मुस्कुराए और मुस्कुराने के बाद एक जुमला कहा जनाब फिजा से, ए फिजा तूने बड़ी कमाई कर ली, तूने जन्नत पा ली, तूने बड़ी कमाई की, दरे सैयदा पर आकर बड़ी कमाई की, तूने जन्नत पा ली। फिजा मुस्कुराई, ए मसूद कैसी जन्नत, कैसी जन्नत, हैरान हो गए। फिजा कैसी बातें कर रही हो, जन्नत जानती नहीं, वो जन्नत जिसके लिए सारी जिंदगी मुसलमान सजदे कर रहा है, नेकियां करता है, हज अदा करता है, अरकान इलाही अदा करता है, क्यों, इसलिए कि जन्नत मिल जाए। और कोई भी इंसान ऐसा नहीं है कि जो ये नहीं चाहता हमें जन्नत मिल जाए। इतना बड़ा मजमा मौजूद है, अगर सवाल किया जाए तो हर आदमी ये जवाब देगा, भाई हम तो जन्नत में जाने की आरजू रखते हैं, लेकिन जन्नत इतनी आसानी से मिलती नहीं है जितनी आसानी से फिजा ने जवाब दिया है। मसूद कैसी जन्नत, मसूद हैरान, कहा कि वो जन्नत कि जिसे मरने के बाद इंसान जाएगा, बाग में रहेगा, ऐशो आराम से रहेगा, महल मिलेंगे, बागात मिलेंगे, फिर कोई तकलीफ ना होगी, उस जन्नत का जिसका जिक्र मैंने रसूल खुदा से सुना। फिजा मुस्कुराई, है मसूद रसूल के साथ रह रहा है अब तक मारफत ना हासिल कर सका, रसूल खुदा के साथ रह रहा है अब तक मारफत ना पा सका। मसूद नाराज हुए, कहा फिजा कैसी मारफत, मुझे बेमारफत बता रही हो, ये बताओ। बस एक मर्तबा जनाब फिजा कहती है, मसूद अब तक तू इंतजार में बैठा है, रसूल की बारगाह में रोज आता है कि मुझे जन्नत मिल जाएगी, ऐसी कमाई कर लूं, लेकिन तू इंतजार में बैठा है कि मरने के बाद तुझे जन्नत मिलेगी, लेकिन मुझे जिंदगी में जन्नत मिल गई। बस एक मर्तबा फिजा ने मुस्कुरा कर कहा, ए मसूद तू इंतजार कर रहा है कि मरने के बाद जन्नत मिलेगी, मुझे जिंदगी में जन्नत मिल गई, अगर तुझे जन्नत हासिल करना है तो दरे सैयदा पर आ जा। सलवात पर मोहम्मद। दरे सैयदा पर आ जा, और ये दरे सैयदा फिजा के निगाह में जन्नत है। और क्यों कहा फिजा ने कि दरे सैयदा जन्नत है, इसलिए कि उस घर के अंदर रहने वाले जितने भी अफराद हैं, कोई साकी कौसर है, कोई शाफे रोजे जजा है, कोई खातून जन्नत है, तो कोई जवानाने जन्नत का सरदार है। तो फिजा के लिए खाने सैयदा जन्नत है, और तुम इंतजार कर रहे हो मरने के बाद जन्नत मिलेगी, और हमें जिंदगी में जन्नत मिल गई।
और उसी खाने सैयदा के लिए अल्लाह हुक्म दे रहा फी बुयूतिना जनल्ला अंतुरपा, कि कुछ घर ऐसे हैं बुलंद किया जाए यानी उनकी ताजीम की जाए। जब ये आए मुबारका नाजिल हुई तो लोग पैगंबर इस्लाम के पास आए, या नबी अल्लाह ये बताइए फी बुयूतिन से मुराद क्या है, क्या खाने काबा है। रसूल खुदा ने जवाब दिया कि नहीं। मुसलमान हैरान हैं इसलिए कि आप कुरान मजीद में शुरू से लेकर आखिर तक पढ़ लीजिए कि जहाँ जहाँ अल्लाह ने खाने काबे का तस्करा कहा किया है वहाँ लफ्ज़ बैत आया, लफ्ज़ बैत आया है। और इस हदीस को लिखने वाला रावी कोई और नहीं बल्कि उनका रावी, हमारा रावी नहीं है। इमाम बिन अहमद हम्बली ने खुद इस रवायत को अपनी किताब में नकल किया कि जब रसूल की बारगाह में आए सवाल किया मुसलमानों ने कि फी बुयूतिन से मुराद क्या, रसूल से सवाल किया क्या खाने काबा, रसूल खुदा ने कहा नहीं। क्या बैतुल मुकद्दस, रसूल ने जवाब दिया कि नहीं। क्या मस्जिदुल हराम, रसूल ने जवाब दिया कि नहीं। बस एक मर्तबा सवाल किया मुसलमानों ने क्या अंबिया अलैहिस्सलाम के घर, क्या अंबिया अलैहिस्सलाम के घर, रसूल खुदा ने मुस्कुरा कर जवाब दिया हाँ अंबिया अलैहिस्सलाम के घर। कितना नादान था मुसलमान, बस सवाल किया। चंद घरों को देखते हुए मदीने के चंद घरों को देखा, देखने के बाद कहा या नबी अल्लाह उन घरों में से किसी एक घर की मिसाल पेश करिए, इन घरों में से उन घरों की मिसाल पेश करिए, कोई घर ऐसा है इसमें से कि जो अंबिया अलैहिस्सलाम के घर की तरह से हो। बस रसूल खुदा ने खाने सैयदा की तरफ इशारा करके कहा किसी बुयूतिन से मुराद खाने फातिमा जहरा है। बस इतना सुनना था कि रसूल खुदा से सवाल किया इतना बता दीजिए कि अंबिया अलैहिस्सलाम के घर बुलंद है या खाने सैयदा ज्यादा बुलंद। रसूल मुस्कुराए, कहा कि तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम से के घरों से ज्यादा बुलंद खाने सैयदा है। सलवात पढ़ मुहम्मद वाल। खाने सैयदा है और ऐसा घर जो आबाद था। लेकिन जमाने वालों ने, दुश्मनों ने उस घर को बर्बाद करने की कोशिशें की, ऐसा बर्बाद किया कि वो घर फिर ऐसा आबाद नहीं हुआ। मगर यहाँ पर एक जुमला और कहना चाहूँगी कि बेशक दुश्मनों ने कोशिशें की मगर वो नाकामयाब रहे कि घर को बर्बाद कर दें। लेकिन जहाँ जहाँ इनकी कब्रें बनाई गई ऐसे ऐसे रोज़े तामीर हो गए कि आज जूक के जूक मजमा लाखों करोड़ों की तादाद में करबलाए मुअल्ला ज़ियारत के लिए जाता है, नजफ़ अशरफ जाता है, खुरासान जाता है। ज़रा अंदाज़ा लगाइए कि आज भी उनके रोज़ों पर ज़िक्र खुदा हो रहा है, अल्लाह की हम्द और सना हो रही है, तिलावत क़ुरान हो रही है। ज़रा अंदाज़ा लगाइए, इंसान तो इंसान किया बल्कि फरिश्ते भी उनकी कब्र पर ज़ियारत के लिए आते। लेकिन आज उस शहज़ादी के मसाइब को बयान करना है कि जिसे दुश्मनों ने ना तो ज़िंदगी में चैन से रहने दिया और ना ही कब्र में भी सुकून से रहने नहीं दिया जा रहा। ऐसी मजलूमा बीबी, ऐसी शहजादी जो खातून जन्नत हो मगर आज उसकी कब्र का आलम यह है
कि उसकी कब्र पर साया नहीं है। आज भी जायरीन जब जन्नतुल बकी जाते हैं और शहजादी की कब्र को दूर से देखते हैं, साथ में चार इमामों की और कब्रें मौजूद हैं, इमाम हसन, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम, चार इमाम और जिनकी कब्रें आज भी धूप में है और इस शहजादी की कब्र धूप में है। यकीन मानिए कि जब जन्नतुल बकी की ज़ियारत को लोग जाते हैं, आलम ये होता है ऐ शहजादी हम साए में है और आपकी कब्र धूप में है, आपके सदक़े में हमें दौलत मिली, इज्जत मिली, लेकिन आज भी हम मजबूर हैं कि आपकी कब्र पर साया नहीं कर पा रहे। क्यों? इसलिए कि जालिमों के दुश्मनों के पहरे आज भी लगे हुए। वो शहजादी, जरा अंदाजा लगाइए कि जिसे रसूल की वफात के बाद मुसलमानों ने चैन से रहने नहीं दिया, बाप की वफात को चंद रोज गुजरे थे कि वही मुसलमान शहजादी के दरवाजे पर लकड़ियां और आग लेकर जमा हो गए और आवाज दिए, सैयदा अबुल हसन को घर से बाहर निकालो वरना हम घर में आग लगा देंगे। बीबी तड़प उठी, रोटी भी दरवाजे पर आई, काए मुसलमानों ये वही डर है सैयदा है, कल जब तुम मेरे बाबा के साथ आते थे इस दर पर आकर मुझे सलाम करते थे, आज मेरे बाबा की आंख बंद हुई तुम दरवाजे पर आकर के आग और लकड़ियां लेकर इकट्ठा हो गए कि अली को घर से बाहर निकालो। बस काए फातिमा, अगर अबुल हसन को घर से बाहर ना निकालोगी हम आग लगा देंगे। शहजादी ने कहा कि जानते हो इस घर के अंदर रसूल के छोटे छोटे नवासे मौजूद हैं। कहा हम कुछ नहीं जानते, अबुल हसन को घर से बाहर निकालो। सिर्फ इतना ही नहीं कहा बल्कि दरवाजे में आग लगा दी गई और ये चाहा कि दरवाजे को धक्का दे करके घर के अंदर दाखिल हो जाए, लेकिन शहजादी दरवाजे पर हाथों को रखे हुए खड़ी रही। अब बाहर से धक्का दिया जा रहा है, बस एक मर्तबा मेरी शहजादी दरवाजे और दीवार के दरमियान पीस कर रह गई। दरवाजों में निकली हुई जो मेखे थी शहजादी के शिकम में अकदस में लगी। एक मर्तबा शहजादी चीख मार कर जो गिरी, बीबी को होश नहीं रहा, बीबी के ऊपर जलता हुआ दरवाजा गिराया गया। लेकिन अब जब बीबी की आंखें खुली, शहजादी की आंख खुली, बड़ा दर्द भरा मंजर देखा। क्या देखा? अली के गले में रस्सी का फंदा है और अली को मुसलमान कहते हुए ले जा रहे। हाय रे मेरे मौला का सब्र, वो सब्र। लेकिन अगर वो अली जिसकी शुजात का जिक्र मिलता है कि जिसने दो दरे खैबर को दो उंगलियों पर उठा लिया, आज वही अली मुसलमानों के दरमियान है, गले में रस्सी का फंदा है और खींचते हुए लेकर चले हैं। बस एक मर्तबा मेरी शहजादी ने आवाज दी, मुसलमानों अबुल हसन को छोड़ दो वरना मैं अपने सर के बालों को बिखरा दूंगी, मैं अपने सर के बालों को बिखरा दूंगी। बस ये जुमला शहजादी ने कहा था कि मस्जिद नबवी की दीवार बुलंद हुई, मेरा दिल चाहता है मैं अर्ज करूं शहजादी अभी सर के बाल न खोलिए, इसलिए कि अभी तो बहुत ही मुसीबतों का सामना करना है। बीबी उस वक्त सर के बाल खोलिएगा जब तेरा हुसैन 3 दिन का भूखा प्यासा शहीद होगा। ए बीबी उस वक्त सर के बाल खोलना कि जब जैनब उम्मे कुलसूम के घटेमों में
में आग लगाई जाएगी। बीबी उस वक्त सर के बाल खोलिएगा कि जब जैनब के सर से चादर छीन जाएगी, जब जैनब के बाजू में रिस्मान गुल बांधा जाएगा। अजरक अल्लाह, खुदा आपको सिवाय गमे फातिमा जहरा में किसी गम में न रुलाए। बीबियों दिल खोल करके शहजादी को पुरसा दे लीजिए। मैं कहूँगी शहजादी आपकी बारगाह में ये चाहने वालों का मजमा है। ए बीबी, हम आपकी बेटियों को आपका पुरसा देने के लिए आए हैं। ए शहजादी ज़ैनब उम्मे कुलसूम, अपनी मादरे ग्रामी का पुरसा कबूल कीजिए। हाँ ज़ादारा ने इमाम, ये मसाइल जनाबे फातिमा जहरा पे गुजरे और 75 दिन तक शहजादी अपने बाबा को याद करके रोती रही। लेकिन जब वक्त रहलत करीब आया तो माँ को बड़ी फिक्र हुई, मेरे बच्चों का क्या होगा, साहिबे औलाद का मजमा है ना, जरा दिल पर हाथ रखिए। फातिमा के लाल हुसैन के सदक़े में आपके लाल सलामत रहे। लेकिन हर माँ से उसकी दिल की कैफियत पूछना चाहूंगी, जवाब दीजिएगा। जब कोई माँ इस दुनिया से गुजरने लगती है उस माँ को एहसास हो जाता है हम दुनिया से जा रहे हैं, तो उस माँ को सबसे ज्यादा फिक्र अपने छोटे बेटे की होती है। क्यों? क्योंकि हर माँ को अपना सबसे छोटा बेटा बहुत अजीज होता है, बहुत अजीज होता है। माँ बेचैन रहती है, मेरे इस बच्चे का क्या होगा, इसको कौन दिलासा देगा, इसे कौन समझाएगा। ना कि वो हुसैन, फातिमा का लख्त जिगर, सबसे छोटा बेटा, सबसे ज्यादा अजीज। और क्यों ना हुसैन फातिमा को अजीज हो, इसलिए कि हुसैन फातिमा के लिए कितने अजीज थे। जरा इस बात से अंदाजा लगाइए कि शहजादी खुद बयान करती है कि हुसैन अभी इस दुनिया में नहीं आए, शिकम अक़दस में हुसैन अलैहिस्सलाम है। बीबी बयान करती हैं कि नमाज सुबह के बाद मैं ताक़ीबात में मशगूल थी कि एक मरतबा मेरे शिकम अक़दस से आवाज़ उभरी, एक बच्चे ने शिकम अक़दस से माँ को सलाम किया। कोई माँ ऐसी है जिसके बच्चे ने शिकम अक़दस से माँ को सलाम भेजा? लेकिन फातिमा वो माँ है कि जिसके लाल ने शिकम अक़दस से माँ को सलाम किया। और सलाम का अंदाज क्या है, अस्सलामु अलैका या उम्माहो वलादुकल अतशान। जैसे ही इस बच्चे ने दर्द भरी आवाज में सलाम किया, जनाब फातिमा जहरा मुसल्ले से उठ गई और सारो कतार रोने लगी कि आखिर मेरे बच्चे ने इस तरह से सलाम क्यों किया। बात समझ में नहीं आई, रोती रही। नमाज जोहर असर का वक्त आया, नमाजें अदा की और ताक़ीबात में मशगूल थी, बच्चे ने फिर सलाम किया, अस्सलामु अलैका या उम्माहु वलादुकल उरियान। जैसे इस बच्चे ने दर्द भरे लहजे में सलाम किया, माँ तड़प उठी, रोती रही, टहलती रही, मेरे बच्चे ने मुझे सलाम किया। लेकिन जब नमाज मगरिब इशा के बाद शहजादी ताक़ीबात में मशगूल थी कि फिर एक मरतबा शिकम अक़दस से आवाज़ उभरी, अस्सलामु अलैका या उम्माहु वलादुकल सहकाम। जैसे ही ये सलाम किया बच्चे ने, एक मरतबा जनाब फातिमा जहरा चीख मार कर रोई। जनाब फिजा करीब आए, कभी भी रोने का सबब क्या है, सुबह से लेकर शाम हो गई जारो कतार रो रही है। बीबी ने जवाब दिया, फिजा मालूम है आज मेरे बच्चे ने मुझे दर्द भरे हुए लहजे में मुझे सलाम किया है, मेरी समझ में नहीं आ रहा है इस अंदाज मेरे बच्चे ने सलाम किया। बस एक मरतबा जनाब फिजा ने कहा, शहजादी बाबा के पास चले जाइए,
जैसे ही ये जुमला कहा, जनाब फातिमा जहरा ने सर पर रदार रखी, साहिब औलाद का मजमा है। रोती हुई फातिमा जहरा बाबा के पास आई, ये मेरे बाबा जान, आज मेरे बच्चे ने शिकम अकदस से मुझे सलाम किया है, मेरे बाबा इस सलाम की ताबीर बता दो, मेरे बाबा सलाम की ताबीर बता दो। रसूल ने सलाम सवाल किया, बीबी बताओ। बीबी ने बयान किया, बाबा मैं नमाज के बाद ताकीबात में मशगूल थी कि मेरे शिकम अकदस से एक आवाज़ उभरी, अस्सलामु अलैका या उम्मा हो बोला दो कल अतशान, हे अम्मा अपने प्यासे बेटे का सलाम कबूल करिए। हाजादारानो मजलूम करबला, जैसे ही ये जुमला रसूल खुदा ने सुना, आंखों से आंसू जारी हुए। दूसरा सवाल किया, बेटी उसके बाद कहा कि नमाज जोहर असर के बाद बैठी थी, ताकीबात पढ़ रही थी, मेरे बच्चे ने फिर सलाम किया, अस्सलाम वालेका या उम्मा हो वला दुकल उरियान, ए अम्मा अपने बेलेबाल बेटे का सलाम कबूल करिए, साहिब औलाद का मजमा है, आबाद रखे हुसैन के सत्ते में। आखिरी जुमला बीबी ने कहा, ए बाबा मैं नमाज मगरिब इशा के बाद ताकीबात में मशगूल थी, मेरे बच्चे ने आवाज दी, अस्सलाम वालेका या उम्मा हो वला दुकल साकाम, ए अम्मा अपने घोड़े से पामाल बेटे का सलाम कबूल करिए, सलाम कबूल करिए। जैसे ही रसूल खुदा ने यह जुमला सुना, जारो कतार रोने लगे। बीबी परेशान, ए मेरे बाबा जल्द बताओ इस सलाम की ताबीर क्या है, रसूल ने नहीं बताया, अगर बता देते फातिमा मर जाती। कहा बेटी इस बात का ख्याल रखना, हुसैन दुनिया में आ जाए हुसैन को प्यासा न रखना, हुसैन को प्यासा न रखना, हुसैन इस दुनिया में आए, माँ ने बच्चे के लबों को देखना शुरू किया, कहीं मेरा बच्चा प्यासा तो नहीं है, कहीं उसके सूखे होठ तो नहीं है। हुसैन थोड़ा बड़े हुए, माँ इस दुनिया से रुखसत हो रही है, बड़ी परेशान है, अबुल हसन को बुलाया है, ख्याल है मेरे हुसैन का क्या होगा, अब जरा अंदाजा लगाइए, अबुल हसन से वसीयत हो रही है, या अली इस दुनिया से जा रही हूँ, आप ही मुझे गुस्ल देना, आप ही मुझे कफन पहनाना, आप ही नमाज जनाजा पढ़ाना, हमारे जनाजे पर दुश्मनों की इजाजत नहीं है, लेकिन साहेब औलाद का मजमा है, एक वसीयत फातिमा ने हुसैन के लिए की, ए अबुल हसन मेरे हुसैन का ख्याल रखिएगा, इसलिए कि मेरा हुसैन रातों को उठकर पानी मांगता है, मैं रातों को उठकर हुसैन के सराहने पानी का जाम रखती हूँ, बस मेरे हुसैन का ख्याल रखिएगा, मेरी कब्र पर चराग रोशन करिएगा, कब्र पर तिलावत कुरान करिएगा, फातिमा इस दुनिया से रुखसत हो गई, अरे अली को फातिमा की वसीयत याद है, फातिमा की लहज पर चराग भी रोशन कर रहे हैं, कुरान के तिलावत भी कर रहे हैं, हुसैन के सरहाने पानी का जाम भी रख रहे हैं, लेकिन फातिमा को गुजरे हुए 7 रोज गुजरे हैं कि एक मर्तबा अबुल हसन अरे फातिमा की लहज पर तलावत कर रहे हैं कि कब्रे फातिमा नरज उठी, कब्र से आवाज आई, ए अबुल हसन मेरा हुसैन बिस्तर से उठकर पानी मांग रहा है, मेरा दिल कहता है ए शहजादी अभी 7 रोज गुजरे हैं, माँ कब्र में बेकरार हो गई, लहज में बेचैन हो गई, ए शहजादी उस वक्त क्या आलम होगा कि जो मुहर्रम की 7वीं तारीख से हुसैन पर पानी